अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो अभी मैं बिस्तर में सोया पड़ा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। तो व्यूअर्स, बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, अभी यहाँ से झाँक के देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है जी। अभी जो कि लाइट अब आई है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी देर से लाइट गई हुई थी। इसके बाद आपको नज़र आ रहे होंगे कबूतरों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्होंने गंद मचा रखा है यहाँ पे। तो व्यूवर्स, अभी जाना है बाज़ार, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदनी है, कुछ सामान लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तमाम आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। तो आए चलते हैं बैर की तरफ, आपको बैर का मनाजिर दिखाता हूँ, कितनी ठंड चल रही है। तो व्यूअर्स, अभी उठकर बैर निकलते हैं, तो बैर का मॉल वगैरह चेक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी धुंध वगैरह तो नीचे आ चुकी है। तो सुबह सुबह जब मैं बैर निकला तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो फिर मैं जाकर बिस्तर में चला गया। तो अभी देख सकते हैं कि बच्चों को सर्दी नहीं लगती, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक तो बाज़ार में काम है, वो जाना है, वो काम करने हैं। तो 1 hour later जी, तो व्यूअर्स, अभी मैं शॉर्टकट से यहाँ पे अड्डे पे पहुँचने वाला हूँ, तो थोड़े ही देर का फासला है, आगे चंद फासला है। तो आप देख सकते हैं कि आम तो रास्ते जा रही है, ये जो हमारा है ये तुलंबर रोड है। और ये कबीर वाला तुलंबा और जो के अब्दुलकीम खानेवाल से ये सड़क जो है हमारी अटैच है। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, लोग आप देख सकते हैं कि रोड पे बहुत कम निकल रहे हैं। ये वाला रोड जो है दीनपुर की तरफ जाता है और अब्दुलकीम भी अटैच होता है। तो दोस्तों, यहाँ से लिए हैं अंडे, तो दोस्तों अंडे बहुत महंगे मिले हैं यहाँ से। कितने रुपए दर्जन लाया? रुको जरा, सबर करो। 430 रुपये। 440 रुपये। चलो 10 रुपये रियायत की है, खसूसी रियायत की है, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया अल्लाह। कोई घर जाके जाकर कुछ सामान और ख़रीदना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लिए डब्बे रोटी के पैकेट और अभी चलते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है वो लेते हैं, तो फिर चलते हैं जी वापसी। यहाँ से लिया मूँगफली और कितने, 800 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो के हिसाब से। नहीं, बहुत महंगी यार, चिलकोज से कह रहा है 16,000 रुपये किलो, बड़े महंगे। जी तो दोस्तों, लिया मूँगफली वगैरह और
आगे चलते हैं, सब्जी वगैरह लेनी है। भाई जान आधा किलो गोश्त दिया, सीने वाला दे दे, बेहतरीन दिया थोड़ी बना के दे, बगैर कलेजी फोटो दोस्तों। यहाँ से लिया गोश्त और 500 रुपये तकरीबन रेट है गोश्त का, पूरी सब्जी लग रही है आप देख सकते हैं। पीछे इन्होंने कबूतर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, ये भी देखते हैं। ये जो गोल पूंछ वाले कबूतर हैं ना, इनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, वो रखे नहीं है अभी, एक जोड़ा रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ भी मुर्गियाँ वगैरह बैठी हैं, तो इनको भी ये देख सकते हैं, ये देसी मुर्गी है। भाई जान ने लक्का कबूतर किने दे दे सो, हाँ तीन सौ का यार, कला बैठा है कोई, अगर जोड़ो भी आता मोड़ तो चलो तो सर रेट लगवा कबूतर नारे मार दिए। अच्छा अच्छा चलो, तो व्यूअर्स अभी मैंने सब्जी वगैरह भी ले लिया, आप देख सकते हैं कि एक हाथ में कितने शापर मैंने पकड़े हुए हैं। तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ वापस, शॉर्टकट रास्तों से गुजरता हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग तमाम दोस्तों को पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को करके दें सब्सक्राइब, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए आप तक पहुँच सके। एंड द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।